नमस्कारम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं आप लोगों को फाइनली बताऊंगी कि साधना की शुरुआत कहाँ से करनी है। रोज मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेज आते हैं कि हमें भी बताइए साधना की शुरुआत कैसे करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ हमें भी गाइड करिए, हम भी साधना करना चाहते हैं। मतलब आप लोगों ने तो मुझे सिर्फ वीडियो में देखा है साधना करते हुए, तो आप लोग इतने क्रेजी हो जाते हैं कि हमें भी करना है वो साधना। पर आप सोचो, जब असल जिंदगी में आप ये साधना को लेकर आओगे तो सोचो आपका जीवन कितना ज़्यादा सुंदर बनने वाला है। मतलब मुझे लगता है ना, जब लोग मेरी साधना वाली जो रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो देखते हैं तो मतलब वो एकदम खींचे चले आते हैं। तो आप इमेजिन करो, जब आप खुद वो साधना करोगे तो कैसे आपके तरफ की सब कुछ खींचा चला आएगा। मेरा मतलब है, साधना से हमारे जीवन में जो चीज़ मिसिंग होती है ना हमारे अंदर, वो सब कुछ मतलब आपको मिल जाता है और आप एकदम से फुलफिल्ड महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कंप्लीट हो गए, बस जो चीज़ की कमी थी ना वो आपको मिल गई। आप एक तरह से आप एकदम पूर्ण हो जाते हो। और ये फीलिंग्स को ना वर्ड्स में डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है। जो लोग साधना करते हैं ना, वही लोग समझ सकते हैं कि साधना क्या चीज़ है और उस चीज़ से उनको क्या मिल रहा है। तभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है हर साधक के जीवन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का कोई भी चीज़ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, पर वो साधना को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि साधना क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं भी चाहती हूँ आप भी अपने जीवन में साधना को उतारें और देखें किस तरीके से साधना आपको और आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो जब मुझे गुरु नहीं मिले थे तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। करीब 10 साल इधर उधर सर पटकने के बाद इतने हाथ पैर मैंने मारे, मैं कहाँ कहाँ योगा सीखने नहीं गई, किस किस शिविर को अटेंड नहीं किया। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मतलब मेरे अंदर जो वो भूख थी ना, मतलब एक प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोसेस को लेकर कि मेरे जीवन में एक प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोसेस होना चाहिए, और इस चीज़ की तलाश में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मैंने खुद पर कितने एक्सपेरिमेंट्स किए और मेरे ऊपर पता नहीं कितने इनिशिएशंस हुए होंगे। और ये इंटेंस लॉन्गिंग सदगुरु के पास आ करके ही ख़त्म हुई जब उन्होंने मुझे एक प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोसेस दिया। दोस्तों, होता यह है ना, जब जीवन में कोई गुरु नहीं होता ना आपको दिशा दिखाने वाला, तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होते हो, पूरी तरीके से, मतलब कहना ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन का जो वो लेवल होता है ना, आप कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हो, कुछ भी करना शुरू कर देते हो, मन धड़न चीज़ें करना शुरू कर देते हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और फिर आप सोचते हो कि हम तो इतना योग कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा कैसे होगा? आप सही चीज़ करोगे तभी तो सही चीज़ें होंगी आपके साथ। तो आज मैं आप लोगों से उन दो प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूंगी जिसने फाइनली मेरा जीवन बदला और मेरे साथ साथ कई लोगों का भी बदला है। इन दो प्रैक्टिसेस का नाम है ईशा क्रिया और शांभवी महामुद्रा क्रिया, और ये दोनों प्रैक्टिसेस क्रिया योग के अंदर आती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दूं क्रिया योग है क्या। क्रिया योग एक एंशियंट योगिक टेक्निक है जो सीधे आपके एनर्जी बॉडी पे वर्क करता है, और एक बार ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी बॉडी में होना शुरू हो जाए तो वो बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ आपके साथ रहता है। क्रिया योग के बारे ये भी कहा जाता है कि ये आपको रॉकेट की स्पीड से आपको आपके अल्टीमेट नेचर तक ले जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये शॉर्टकट टेक्निक है सेल्फ रियलाइजेशन की, और इससे ज्यादा इजिएस्ट एंड श्योरेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता। अगर आपको तेजी से अपने हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के तरफ बढ़ना है और अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, अवेयरनेस को पूरी तरीके से अगर चेंज कर देना है तो आपको क्रिया योगा करना चाहिए। तो पहली प्रैक्टिस जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी वो है शांभवी महामुद्रा क्रिया। दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है, और पिछले जमाने में अगर किसी को शांभवी महामुद्रा क्रिया में दीक्षा लेना होता था तो वो सबसे पहले किसी गुरु को ढूंढता था, और मुश्किल से अगर उसे एक गुरु मिल भी गया तो वो गुरु उसे कहता था कि तुम 12 साल प्रिपेयर करके आओ पहले खुद को, तभी जाकर मैं तुम्हें शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट करूंगा, दीक्षा दूंगा।
मतलब ये प्रोसेस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर कोई इंसान इस प्रोसेस को अपने ऊपर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर ले तो वो क्या नहीं कर सकता। और इसीलिए खुद को 12 साल प्रिपेयर करके प्रूफ करना पड़ता था अपने गुरु के सामने कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि आप मुझे शांभवी महामुद्रा की दीक्षा दें। मतलब कितना डिफिकल्ट रहता होगा कि पहले आप एक गुरु ढूंढो और फिर 12 साल प्रिपेयर करो तब जाके आपको दीक्षा मिलेगी। पर आज के डेट में ऐसा नहीं है क्योंकि सद्गुरु ने हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी है और घर बैठे आप इनिशिएट हो सकते हैं वो भी शांभवी महामुद्रा क्रिया में। सद्गुरु बताते हैं क्योंकि ये प्रोसेस इतना पावरफुल है इससे आप किसी का कल्याण भी कर सकते हो तो किसी का बुरा भी कर सकते हो। और इसीलिए सद्गुरु को 8 साल लग गए शांभवी महामुद्रा क्रिया में से उस एलिमेंट्स को बाहर निकालने में जिसपे अगर कोई कमांड कर ले मास्टरी कर ले तो वो किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता था। 8 साल शांभवी महामुद्रा पे काम करने के बाद और खुद पर शांभवी महामुद्रा को एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सद्गुरु ने इस चीज़ को फाइनली हम लोगों के साथ बांटा है। शुरू शुरू में सिर्फ ये ऑफलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाया जाता था और कोविड के बाद ही ऐसा हुआ है जब लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगी तो सद्गुरु ने शांभवी महामुद्रा क्रिया की जो दीक्षा है वो ऑनलाइन करी। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही शांभवी महामुद्रा क्रिया में इनिशिएट हुई हूँ। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क भी नहीं है क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि अगर किसी गुरु को अगर किसी शिष्य को दीक्षा देना होता है ना तो वो सपने में आकर के भी चुपचाप देकर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो गुरु की पहुंच वहां तक है जहां आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग अपना लॉजिक माइंड लगाते हैं और सोचते हैं कि अरे ऑनलाइन दीक्षा कैसे पॉसिबल है, ये सब बकवास है और ये सब मनी मेकिंग है, बिजनेस है। ऐसे लोगों पे मुझे हंसी नहीं आती, मुझे सिर्फ दया आती है क्योंकि इनकी समझ ही छोटी सी है इसीलिए कुछ बोल ही नहीं सकते। जो भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू शांभवी महामुद्रा क्रिया की दीक्षा लिए हैं आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में उनको कोई फर्क महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि सद्गुरु इक्वली प्रेजेंट है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बियॉन्ड फिजिकल है गुरु, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और जहां आप अपना लॉजिक माइंड लगाओगे तो फिर कोई भी टेक्निक काम नहीं करने वाला आपके लिए, फिर वो सिंपल एक्सरसाइज है फिर आपके लिए। एक बार जब आप इनिशिएट हो जाते हो गुरु से किसी प्रोसेस में, आपको दीक्षा मिल जाती है तो फिर आपको चुपचाप मुंह बंद करके प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करते रहनी है। राइट नाउ शांभवी महामुद्रा क्रिया आपको इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के थ्रू सिखाया जाता है और इसका न्यू फॉर्मेट हाल ही में लॉन्च हुआ है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग आसानी से एनरोल कर पाए। मैंने जब इनर इंजीनियरिंग किया था उस वक्त फॉर्मेट दूसरा था और हमें 2 चरण में इनर इंजीनियरिंग को करना पड़ता था। एक रहता था इनर इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद इनर इंजीनियरिंग कम्प्लीशन प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम्स की फीस अलग अलग होती थी लेकिन अब इन 2 प्रोग्राम्स को मिला दिया गया है और आपको सिर्फ अब एक ही प्रोग्राम करना है जिसमें दोनों चीज होगा, इनर इंजीनियरिंग भी होगा और कम्प्लीशन प्रोसेस भी होगा। इस प्रोग्राम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं ताकि आप लोग आसानी से इस चीज को पूरा कर पाए। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रोग्राम्स में एनरोल तो कर लेते हैं पर पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाते, तो एक एक चीज पर ध्यान दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब ये प्रोग्राम 15 वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। पहले ये सिर्फ इंग्लिश में होता था, उसके बाद फिर हिंदी में भी आया था, बट अब ये 15 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये बहुत लोगों के लिए पॉसिबल होगा इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को करना। अगर इस प्रोग्राम की फीस की बात करें तो ये इंग्लिश में राइट नाउ 4,000 रुपीज का अवेलेबल है और हिंदी में ओनली 2,000 रुपीज का। मैंने जब किया था तो उस वक्त हमें ऑलमोस्ट 6,500 रुपए पे करने पड़ते थे क्योंकि प्रोग्राम 2 चरण में होता था और दोनों चरण की जो फीस थी वो अलग अलग होती थी। और अब इस प्रोग्राम की फीस 50% और कम होने वाली है उन लोगों के लिए जो 25 साल की उम्र से कम है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, इस मौके का फायदा आप सबको उठाना चाहिए। रही बात फीस की, तो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, हर चीज के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। और जब आप प्राइस पे करते हैं ना तभी कोई चीज को आप सीरियसली लेते हैं। अब बात करूंगी शांभवी महामुद्रा क्रिया के फायदे की। शांभवी महामुद्रा पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप ये प्रैक्टिस को 90 डेज तक रेगुलर करोगे तो आपकी उम्र 6.5 साल घट जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी सेलुलर एज कम हो जाएगी और आप एकदम से वाइब्रेंट हो जाओगे।
अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करें तो दोस्तों फायदे अनगिनत है, मतलब एक्सप्लेन करना ही डिफिकल्ट है। मैं बस आप लोगों को हिंट देने के लिए बस इतना बता देती हूँ कि मुझे जेनेटिक एस्थमा था, जो कि बहुत क्रोनिक कंडीशन हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कभी ठीक नहीं हो सकता, बट मैंने रेगुलर प्रैक्टिसेस से उस चीज को कम्प्लीटली क्योर किया है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सद्गुरु ने यहाँ तक ये भी कहा है कि शांभवी महामुद्रा आपको सोर्स ऑफ क्रिएशन तक लेके जाता है। ये सोर्स ऑफ क्रिएशन कहीं और नहीं, आपके भीतर ही है, जिसको आप क्रिएटर भी बोलते हैं। एक बार ये सोर्स ऑफ क्रिएशन अगर खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर दे तो फिर आपके लिए क्या ही पॉसिबल नहीं है। आपके बॉडी में कोई भी अगर डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का एलिमेंट है, वो आसानी से ठीक हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर जो है इस शरीर का, वो आपके शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। रही बात मेंटल हेल्थ की, तो मेरे कई जानने वाले हैं जो डिप्रेशन की स्टेट में शांभवी महामुद्रा करना शुरू किए और 3 महीने के अंदर डिप्रेशन से कम्प्लीटली बाहर हो गए। और दोस्तों ये टाइम जो है ना, ये किसी के लिए फिक्स्ड नहीं है कि किसी को 3 महीने प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी तभी उसको उस चीज का असर होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो इनिशिएशन के पहले ही दिन, जिस दिन उनको दीक्षा मिली उसी दिन उनको बहुत कुछ अनुभव हो गया। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको फायदा कब मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, कितना समय लगेगा। बहुत जरूरी बात है कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा बारीकी से और इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जो प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक करने के बाद कहते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, सब कुछ बेकार है। तो उन लोगों को मैं ये कहूंगी कि जरूर आप अपनी प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हो या फिर रेगुलर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट ना मिले। और एक जबरदस्त फायदा शांभवी महामुद्रा का, दोस्तों हम अपने दिनचर्या में बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं। सद्गुरु बताते हैं हम जब भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी उस प्रोसेस में वेस्ट होती जाती है। आपने ये फील किया होगा कि आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो आप कितनी ज्यादा एनर्जेटिक और वाइब्रेंट रहते हैं, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है और ढलता है वैसे ही आप में डलनेस आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि एनर्जी क्योंकि कंटिन्यूसली वेस्ट हो रही है। तो शांभवी महामुद्रा के थ्रू जब हम ये प्रोसेस करते हैं और ये सील लॉक करते हैं तो हमारी सारी एनर्जीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाती है और इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शांभवी महामुद्रा क्रिया प्रैक्टिस करने के बाद मेरे अंदर जो एनर्जी मुझे फील होती है ना गाइज, वो मतलब फेनोमिनल है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। हम किसी जंगल में किसी देवी के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और लौटते वक्त हमारी जो गाड़ी थी वो खराब हो गई थी, तो करीब 8 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा था। और मैंने ये देखा कि मेरे घर वाले थक कर जगह जगह बैठ रहे हैं और मैं सोच रही थी कि ये लोग क्यों थक रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी उस वक्त कि मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बस दौड़ी जा रही हूँ कि जल्दी घर चलो। और बाकी सारे लोगों की हालत टाइट हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो सबके लिए खाना भी बनाया, और मुझे अभी भी याद है रात को 1:30 बजे तक मैं घर पे काम करी हूँ। उसके बाद जब मैं सोने गई उसके बाद भी मुझे कोई थकान नहीं थी और उस वक्त मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हुआ। पर जब घर वालों ने ये नोटिस करना शुरू किया और जब उन्होंने कहा कि तुम थक नहीं रही थी, पागल की तरह बस भाग रही थी, मतलब क्या हो गया है तुमको, तब मुझे ध्यान आया कि अरे कहीं ये शांभवी महामुद्रा की वजह से तो नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि लोग पूछते हैं कि आप इतना योगा करते हो, ध्यान करते हो, आपको उसका क्या फायदा मिल रहा है, आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पर हम क्या कहें, हमें क्या पता, हमें तो दिखता नहीं। वो तो तब दिखता है ना जब सिचुएशन आता है और आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, तब पता चलता है हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। रही बात सेलुलर एज कम होने की, तो दोस्तों अब तक कोई नहीं पकड़ पाता कि मेरी एज क्या है लिटरली, और मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि तुम इतनी उम्र की लगती हो। और ये भी मैंने शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिस करने के बाद ही महसूस किया कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। आपको एक बात और बताती हूँ, शांभवी महामुद्रा आपके पीनियल ग्लैंड को हाईली एक्टिव कर देता है। आपने सुना होगा ना कहानियों में कि एक बूंद अमृत के लिए देवता और राक्षसों में कितनी लड़ाई होती थी,
वही अमृत पीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। शांभवी रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप फील करोगे कि आपके सिस्टम में प्लेजेंटनेस और स्वीटनेस, मतलब ये आम बात हो जाएगी। जो प्लेजर सेक्सुअल एक्टिविटी से मिलता है, लोग उस चीज के पीछे कितना भाग रहे हैं, ये दुनिया मतलब पागल है उस चीज के पीछे। शांभवी महामुद्रा क्रिया आपको 1000 times इंटेंस प्लेजर देता है, और इसीलिए जो योगी होते हैं ना, जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो अपने भीतर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या क्या फायदे हैं? तो ऐसे लोग हैं ना जिनको ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, गाइस आंख बंद करके आप शांभवी महामुद्रा क्रिया सीखिए। ये प्रैक्टिस आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है, जिसके वजह से आपके भीतर इमोशनल स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप की तो बात ही क्या करना, आप इतने चैन से सोओगे। और राइट नाउ मैं सिर्फ 4-4.5 घंटे सोकर पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, और ये सब कुछ शांभवी महामुद्रा से पॉसिबल हुआ है। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, एलर्जीज है, और किसी मेडिकेशन में रह रहे हैं, जिनको कोल्ड, कफ, फ्लू, हेडेक, डायबिटीज और किसी भी तरीके का बॉडी प्रॉब्लम है, गाइज प्लीज डू शांभवी महामुद्रा। सिर्फ 3 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी, आपको बेटर फील होगा। और क्या पता आप उस चीज को कम्प्लीटली क्योर कर लो, जैसे मैंने अपना क्रोनिक अस्थमा ठीक किया। पर कंडीशन है आपको प्रैक्टिस को रेगुलरली और सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके प्रॉपरली करना है। इस प्रैक्टिस की सबसे सुंदर बात यह है कि ये सिर्फ 21 मिनट का है। और क्या आप अपने जीवन का 21 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते? जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इनर इंजीनियरिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर स्टूडेंट थी और मैं शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिस करती थी, और मेरे एग्जामिनेशन में जो मेरा परफॉर्मेंस लेवल था वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग कर रखा था और बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया, यहां तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करके मेरे कुछ दोस्तों ने आईएएस और आईपीएस लेवल पे भी उन लोगों ने रैंक प्राप्त की है। और जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको शांभवी महामुद्रा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हेल्प करता है। यहाँ तक कि उन लड़कियों के लिए जो ऑफिस भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, शांभवी महामुद्रा करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। मतलब मुझे लोगों से बात करके पता चलता है कि जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो घर संभालने के चक्कर में वो इतना ज्यादा सफर करती हैं कि फिर उन्हें अपने लिए कभी समय नहीं मिल पाता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जीवन का सिर्फ 21 मिनट निकालिए और शांभवी महामुद्रा को दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, ये आपके लिए नेचुरल हैपनिंग रहेगा, एक्सीडेंटल नहीं। तो एक ही वीडियोस में सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है, मैं कोशिश करूंगी शांभवी पे और वीडियोस बनाऊं, और अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 3 साल शांभवी करने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। अब बात करूंगी उन लोगों की जो इनर इंजीनियरिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, यूट्यूब पर ईशा क्रिया नाम से एक प्रैक्टिस अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है। ये भी क्रिया योग के अंदर ही आता है और ये सिर्फ 12 मिनट की प्रैक्टिस है। कुछ लोग 21 मिनट भी नहीं दे पाते, तो आप ये 12 मिनट की तो प्रैक्टिस करो ईशा क्रिया। जो लोग मेडिटेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, ईशा क्रिया उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है पर बहुत पावरफुल है, जो आपको अनट्रूथ से ट्रूथ की तरफ ले जाता है। ये 12 मिनट में इतनी ताकत है कि ये आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के वक्त हमने 6 महीने लगातार ईशा क्रिया किया था, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अपने जीवन का 12 मिनट ईशा क्रिया को दे दे तो आपका जीवन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, ओवरथिंकिंग है, आप ईशा क्रिया कीजिए। ये आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस और वेलबींग देगा। यहाँ तक कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो ईशा क्रिया करके उन्होंने अपनी बहुत सारी जो फिजिकल बॉडी में एलिमेंट्स थी उस चीज को भी उन्होंने ठीक किया है। और ये प्रैक्टिस ना, ये जो हेक्टिक पेस ऑफ ये मॉडर्न लाइफ है ना, इसके लिए तो परफेक्ट है। सदगुरु बताते हैं ईशा क्रिया में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान इसे रेगुलर करे तो वो अपने जीवन में जितने भी अनप्लेजेंट सिचुएशंस है उस चीज को वो इजीली हैंडल कर लेता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को ये 2 पावरफुल प्रैक्टिसेस बताए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर इनमें से किसी एक को या हो सके तो दोनों को जीवन में उतारिए। इनर इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है और ईशा क्रिया का लिंक, दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। गाइज प्लीज आप लोग एक बार जरूर विजिट करना। और इन दोनों प्रैक्टिसेस से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को शांभवी महामुद्रा क्रिया और ईशा क्रिया के बारे में जो भी चीजें बताई हैं वो बहुत कम ही है, क्योंकि इनके फायदे इतने ज्यादा है, अनगिनत है, कि इसे एक वीडियो में बताना, वीडियो क्या,
मतलब हमें तो पता भी नहीं है, वो तो गुरु ही जानते हैं कि ये क्रियाज हमारे जीवन में कैसे वर्क कर रही है। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को शांभवी महामुद्रा के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी, यहाँ तक कि मेरा अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और हाँ, एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगी कि कैसे मैंने अपना क्रोनिक एस्थमा ठीक किया, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ सके कि योगिक प्रैक्टिसेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। मतलब वेट लॉस करना, बीमारी ठीक करना, डिप्रेशन दूर भगाना, ये सब योगा के हजार फायदे में से बस कुछ हैं। इसका अल्टीमेट एम तो कुछ और ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योगा आप किस भी रीजन से शुरू करें, वो आपको अल्टीमेट की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।